कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो डायले गुरु, जो गुरु होते हैं उनके पास उस सब्जेक्ट का जवाब जरूर होता है। एक राजा का जो निर्माण किया जाता है उसमें बहुत सारे पहलू है। कौन बनेगा करोड़पति, आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन, जब हम एक ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमको जवाब नहीं होता, तो उसमें लाइफ लाइन्स दिए गए हैं। तो एक लाइफ लाइन है फ़ोन ए फ्रेंड, तो एक दोस्त से बात कर लो और उसको शायद आपका जो जवाब होगा वो पता होगा, एंड ही कैन मेक यू बिकम ए मिलियनेयर या फिर करोड़पति। लेकिन मैं कहता हूँ कि डायल ए गुरु। वाह कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो डायल ए गुरु। फ्रेंड्स भी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी क्या हो जाते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन जो गुरु होते हैं उनके पास उस सब्जेक्ट का जवाब जरूर होता है। आपने दो वर्ड्स बताए, वृद्ध और संयोग, और सारे किताबों में है। इसका मतलब मैं थोड़ा समझाऊंगा। वृद्ध का मतलब यह है जो आपसे आगे और आपसे ज़्यादा अनुभवी लोग हैं। वृद्ध कम्स फ्रॉम ए संस्कृत वर्ड जिसका मतलब है वर्धति, वर्धति इति वृद्ध। जो व्यक्ति बड़ा होता है, जो ग्रोथ होता है जिसके वजह से हमारा, उनको वृद्ध कहते हैं। और संयोग का मतलब है उनके साथ जुड़े रहना। तो ये जो फॉर्मूला है कौटिल्य का अर्थशास्त्र में दिया गया है, ट्रेनिंग ऑफ ए लीडर। एक राजा का जो निर्माण किया जाता है उसमें बहुत सारे पहलू है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो है एसोसिएशन विद एल्डर्स, अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो क्या होता है कि राजा को बहुत सारे समस्याएं होते हैं। पूरे विश्व को चलाना है, पूरे देश को चलाना है, और हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आता ही है। तो अगर राजा के पास और उसके मंत्रियों के पास उसका कोई हल नहीं हो, उस समस्या का कोई उत्तर नहीं हो या फिर कोई उपाय नहीं हो, तो क्या करें? तो वो वृद्धों को बुलाता है, जिसको हम कहते हैं वृद्धों का एक सम्मेलन होता है, दे हैव ए डिस्कशन, और उसमें से जो आंसर्स या उत्तर निकलते हैं वो राजा को यूज करना चाहिए।